आज के दिन मेरे जिम्मेदारी में से दो चीज़ें, एक जो है मैं कर्नाटका स्टेट एडवोकेट्स कर्नाटका बार काउंसिल्स में इलेक्शन जीता हूँ, उसके ताए जो है मैं कर्नाटक वक्फ बोर्ड के मेंबर हूँ और फिलहाल जो है फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन। तो मुझे आज एक वेलिडिटी फंक्शन में यहाँ आना हुआ, आने के बाद एडवोकेट्स में ये मालूम हुआ कि आज डिप्टी कमिश्नर ये एक मीटिंग बुलाए, यानी कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले एक मीटिंग बुलाए, जिसमें मीटिंग में जो है हालांकि मीटिंग 3723 को ये करें, इसमें जो है नोटिस में जो है एक जितने 10 सब्जेक्ट्स को जो है डिस्कशन करने का है, बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले उनको रिक्वेस्ट कर लिए, तो डिप्टी कमिश्नर एक नोटिस जारी किए। लेकिन नोटिस इसमें मैं आप लोगों को नज़र में लाना चाहता हूँ, ये नोटिंग में जो है सभा सूचना पत्र बोल के लिखे, लेकिन किसको इनवाइट कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट को किनको कनेक्टेड है और कौन इसमें आना चाहिए, यह सब्जेक्ट बिल्कुल इट इज़ नॉट टू एड्रेस्ड, सिर्फ जो है सभा सूचना पत्र बोल के। मैं इस आप लोगों के सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ, इसमें जो है थर्ड सब्जेक्ट, इसमें एक इतने अहम और इम्पॉर्टेंट विजयपुर के लिए है, वो सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट को मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहता हूँ, वो सब्जेक्ट इसमें जो है ये मीटिंग जो है नोटिस में जो है थर्ड सब्जेक्ट है, ये थर्ड सब्जेक्ट विच इज़ कनेक्टेड ये वक्फ इदारे के लिए कनेक्टेड है। इसमें जो है ಭೂ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಸರಿನ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಕುರಿತು ಬಂದೆ ತೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂ ಜೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕರೆಕ ವಾಸ್ತೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬುಲಾಯಾ ಗಯಾ ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಮೈ ಇಸ್ಮೇ ಜರಾ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಕರ್ಕೆ ಬೋಲನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂ ಇಸ್ಮೇ ಕ್ಯಾ ಲಿಖೆ ಬೋಲೆ ತೊ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಲ್ಕಲಿಕೆ ಮೈ ಏ ಜನ ಕಾಮನ್ ಜೈಸಾ ಜೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇ ಹೇ ಕೆ ಹರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಿತ್ತೆ ಭೀ ಹೋಯ್ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಹಿ ವಕ್ಫ್ ಮೇ ಜೊ ಹೇ ನಾಮ್ ಆತಾ ಹೈ ಜಬ್ ತಕ್ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾ ಹೋ ಜಬ್ ತಕ್ ಜೊ ಹೇ ವೋ ನಾಮ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆ ನಾಮ್ ಪೇ ನಹೀ ಆತಿ ತೊ ಯಹಾಂ ಪೇ ಜೊ ಲಿಖೆ ಹೇ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ मतलब विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो नाम आया वक्फ बोर्ड का उनको निकालने के बारे में बोले, लेकिन ऐसी कोई ये नहीं है, कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में नहीं है जिसमें गेजेट नोटिफिकेशन है बगैर है। सो गेजेट नोटिफिकेशन होने के बाद ही प्रॉपर्टी पूरे प्रॉपर्टी है। एक और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बात है बोले तो सुप्रीम कोर्ट का केस था है वंस वे वक्फ ऑलवेज वक्फ, मतलब एक बार गेजेट नोटिफिकेशन में ऑब्जेक्शन कॉल करने के बाद वो जो है वक्फ प्रॉपर्टी बोल के गेजेट नोटिफाई हो गया, इट इज़ ऑलवेज है वक्फ प्रॉपर्टी। तो सिर्फ एक डिप्टी कमिश्नर के पास मीटिंग बुलाकर उसमें जो है उन्होंने डिसीजन लेके वो नाम कम करने नहीं होता, और इससे ज़्यादा मैं ये है इस बात में मैं अहमत देना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है हमें ऑलवेज बेनिफिशियरी बोलते हैं, जब हमारे सब्जेक्ट किसी फोरम में डिस्कशन ना था, कोई कोर्ट ऑफ लॉ में डिस्कशन आया, तो हमारे को एज ए मैटर ऑफ नेचुरल जस्टिस हमारे को जो है एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि हमारे वक्फ ऑफिसर को बोलना चाहिए और सेंट्रल वक्फ की इतला करना, भाई आपके सब्जेक्ट में आपके वक्फ प्रॉपर्टी नाम कम करने के लिए एक सब्जेक्ट रखा गया, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और जिस बुनियाद पर आपका नाम इसमें जो है दाखिल हुआ है वो लेके आप आना चाहिए, आके उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर हम कंक्लूजन लेंगे बोल के एक नोटिस देना चाहिए। आज जो मीटिंग थी मैं अभी सुना है कि मीटिंग पोस्टपोन हुई, लेकिन जो पोस्टपोन होने से इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे को इतला करे बगैर, हमारे को जो है इंटीमेशन के बगैर, हमारे ऑफिसर को इंटीमेशन के बगैर, हमारे ऑफिस के इंटीमेशन बगैर ये मीटिंग बुलाया गया। मैं इस आप लोगों के जरिए मैं डिप्टी कमिश्नर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया वाले से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी कोई बात हमारे वक्फ बोर्ड के जो है टच होने की अगर सब्जेक्ट है, हमारे डिपार्टमेंट को बुलाइए, हमारे डॉक्यूमेंट्स को कॉल करिए, उसके बाद लीगल कंसेप्ट क्या है, एक एक सब्जेक्ट कौन से कोर्ट ऑफ लॉ में है, कहाँ पर है वो जो है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस,
और प्रेजेंट स्टेटस का ये कॉलम बनाई हुई है आपको, और अमर बोबड़े कैसा है बोल के बनाए, सिर्फ ऐसे मीटिंग का नोटिस लगा देना, ये मेरे अपने तौर पे जो है इट इज़ नॉट दैट जस्टिफाइड। और ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट वाले एक नोटिस लेटर देते हैं जिसमें भी जो है उन्होंने मीटिंग बुलाओ बोल के रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बजाय कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन से डॉक्यूमेंट इंडिकेशन पर हमारे नाम पे है, कितने सालों से हमारे नाम पे है, हम क्या बोल के उसको एंटरटेन करने चाहिए, हमारे व्हाट आर द राइट्स अक्रूड बाय वर्च ऑफ द नेम एंटर्ड इन द रजिस्टर बोलने के, ये पूरी चीज़ें कॉलम बना के प्रेजेंट करें तो डिप्टी कमिश्नर हो या गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेने होता। इस लिहाज से आइंदा कभी भी, आज तो हो सकता है कि मिनिस्टर साहब भी बात करें या डिपार्टमेंट को गया, सुने आ रहे हैं कभी कि नेक्स्ट मीटिंग पोस्टपोन करें बोल के, और पोस्टपोन मीटिंग में भी जो है इतला करे बगैर नहीं करना चाहिए, इतला करके एज ए मैटर ऑफ नेचुरल जस्टिस एडजुडिकेशन डेमोक्रेटिक कंसेप्ट में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोटेक्ट करके ये मीटिंग बुलाना बोल के मेरी ये गुजारिश। तो आपने क्या डिप्टी कमिश्नर साहब से रुजू किया, इतला मुलाकात की, ऐसा ये जो है देर दो चीज़ें, कोई चीज़ हमारे पास आती तो पहले हमारे डिपार्टमेंट हमारे ऑफिसर हमारे मिनिस्टर तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मैं यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी मैं डिप्टी कमिश्नर के जाने के बजाय सीओ पीएस टू दी मिनिस्टर और जनाब जमीर अहमद खान साहब जो वक्फ मिनिस्टर हैं उनको जो है मैं फौरन ही इतला करा। मेरे भाई एक सोशल मीडिया वाले भी थे, मैं वहाँ बैठ दिया कि भाई इस तरह जो है अननेचुरल हो रहा है नेचुरल डिजास्टर वगैरह, मैं इतला करा गवर्नमेंट लेवल पे, मैं जहाँ समझा कि मीटिंग अर्जेंट हुई। तो ये सिर्फ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए हो रहा है या पूरे कर्नाटक में ये मुहिम चली है? नहीं, मुहिम बात हो तो कोई वर्कशॉप कोई सर्कुलर से ऑर्गेनाइजेशन सर्वे ऑफ इंडिया से कोई और ये सर एक कॉमन सर्कुलर करके इंटायर स्टेट में जो है करना बोल के जो हुए तो उसको जो है एक पूरे इसमें हो रहा बोल के, लेकिन मेरे नज़र में हो सकता मुझे मालूम नहीं और चीज़ में, लेकिन मुझे जो है ये बात इसी बीजापुर में हुई समझ में आ रही। तो अभी आप कह रहे हैं कि मीटिंग पोस्टपोन हुई है, तो नेक्स्ट मीटिंग से पहले ही आप कुछ कानूनी दाव पेश कर सकते हैं? नहीं, इसमें जो है कानूनी बात बिल्कुल रहती, क्योंकि कभी जो है टाइटल की बात आती मतलब ओनरशिप की बात आती ऑटोमेटिकली जो है कानून की बात आती। अभी तक हमारे को किस चीज़ पे जो है हमारी प्रॉपर्टी को निकलना चाहिए हमारे सामने नहीं, इट्स ए जस्ट ए डिस्कशन मीटिंग जो है डिस्कशन के बुलाए गए, लिहाजा जो है हम जब भी मीटिंग बुलाएंगे जब भी गवर्नमेंट जो है हमारे को कॉल करेंगे हमारे ऑफिसर्स रहेंगे हमारे जो है रिप्रेजेंटेटिव आएंगे लीगल टीम आएंगे हम उनके सामने पेश करेंगे हमारा क्लेम रखें। सर वक्त प्रॉपर्टी जो है जब तारीखी शहर बीजापुर है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रॉपर्टी है और काफ़ी इंक्रोचमेंट भी है, इसके ताल्लुक से हमने भी कई मरतबा अथॉरिटी से या चेयरमैन से भी गुफ्तगू किए हैं बातचीत की हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो वक्फ बोर्ड वक्त पर क्यों नहीं जागती? बिल्कुल आपका पूछना बहुत बराबर है, क्योंकि जो है जनरलाइज और जो लीगल में जो है फ़र्क होती है कि क्या आज अगर मेरे घर के लिए कोई लाना बोले तो अगर मैं डिसाइड कर दिया तो चाहे मैं लेके आ सकता हूँ, जब अगर कोई ऑफिस की बात आई कोई डिपार्टमेंट की बात है इट्स ओनली प्रोसेस रहती मतलब जो है वो ये वो हर चीज़ जो है प्रोसीजर एस्पेक्ट में करे जाता है, हो सकता है जो प्रोसीजर एस्पेक्ट जो अडॉप्ट करते हैं लोगों के नज़रों में जो है देरी हो रही के जो है बराबर जो है वर्क बोर्ड रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रोसेस नहीं रहे तो भी ज्यूडिशियल अथॉरिटी पर हमारे केसेस जो डिसमिस होने के रहते, लिहाजा जो भी कानून बात आई जहाँ भी हक की बात आई हम सेंट्रल ऑफिस में हम सेंट्रल वहाँ पे जो बोर्ड मीटिंग में हम पूरे तवज्जो के साथ वो सब्जेक्ट्स को चैलेंज करें कोर्ट ऑफ मार्क तक लेके गए। अब बीजापुर के कई शाही इमारत ऐसे हैं जहाँ पर वक्त प्रॉपर्टी का भी बोर्ड लगा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी बोर्ड लगा हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है या वक्त की है समझ में नहीं आता। नहीं, बिल्कुल ये भी पूछना ज़रूरी है, क्योंकि जो है हमारे ऐसी जो है कंसेप्ट बीजापुर में है कि जितने भी जो मस्जिदात हैं जितने भी हैं उस ज़माने में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को वो जो है ले लिए, मतलब जो भी जो पहले भी जो प्रॉपर्टी ब्रह्मणी थी वो जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में लिए, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो है जहाँ हमारी जो है राइट्स हैं वो वर्क बोर्ड के हिसाब से जो है
वक्त पे नाम पे जो है होगी, और कुछ हैं जहाँ से जो है 49 सब्जेक्ट्स आज भी जो है हमारे उनके बीच में डिस्कशन करके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे तय होना है। उसमें जो है 43 इंस्टीट्यूशन और 24 जो है अभी डिसाइडेड है। अभी जो है मेरे ख्याल से 43-46% है। डेफिनेटली अकबर जितने लोग हों जिस उस वक्त में वक्फ करें सारे जो स्पिरिट से करें कि वक्फ एक ऐसे इदारा है कि इट सुपरवाइजेस, सिर्फ हम सुपरवाइज करने का है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी को हम सुपरवाइजर करते हैं, लेकिन बेनिफिशियरीज जो है कॉमन लोग हैं, तो इसका फ़ायदा जो है कॉमन लोगों को जाना चाहिए। इस हिसाब से जो है डेफिनेटली जो है पूरा काम कर रहे हैं। इसमें और ज़रा गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ज़मीर अहमद साहब जो है आज वक्फ का जो है ये डिपार्टमेंट संभालने के लिए अल्लाह से हम जो तवक्को रखते हैं कि जितने भी प्रॉब्लम हमारे और गवर्नमेंट के बीच में, हमारे और कोर्ट के बीच में, हमारे गवर्नमेंट के बीच में, जहाँ तक हज कमेटी में जो है लास्ट वीक एक मीटिंग हुई, गुज़श्ता हफ्ते मीटिंग हुई, जिसमें जो है रेवेन्यू मिनिस्टर, वक्फ मिनिस्टर और रेवेन्यू सेक्रेटरी के बीच में एक मीटिंग कर जितने भी जो है गवर्नमेंट और वक्फ इसके बीच में वो पहले सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसिक्यूशन करेंगे, एडवोकेट जनरल को बात करेंगे, सही तरह से वक्फ प्रॉपर्टी को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करके हासिल करने के वास्ते बोल के ज़मीर अहमद साहब बोले हैं, उनके जो है नक्शे कदम जो डायरेक्शन करते हैं उसके होल टीम जो है काम करें। कब करेंगे सर, ये एक सवाल बड़ा हुआ, कब करेंगे, कब जाएंगे? कब जाएंगे? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन पूछने का बिल्कुल है, कब जागेंगे कब करेंगे, ये कब करने का नहीं, ये पूरे काम कर चुके हैं। जितने सब्जेक्ट्स में देखा 43 में जो है 24 ले लिए, और जितने भी जो है कोर्ट ऑफ लॉ में है, कोर्ट ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, एक जो है वक्फ ट्रिब्यूनल तक भी है, ये पूरे मैटर्स को शुरू करने का नहीं, ये शुरू करने का एक रुख अलग देखे एक्सपीडिएट करके जितना हम जो है ख़दम चल कर हासिल करने का था वो ख़दम चलने में कम कर हासिल करने के वास्ते तो शुरुआत तो हो चुकी है। इसको मेक एन एंड इज़ इम्पोर्टेंट, तो हम जो है एंड के नज़दीक है, दुआ कीजिए वो एंड हासिल करें। अब मस्जिद के अयमा की भाई भी एक बड़ा सवाल है, उनकी तनख्वाह को लेकर काफ़ी सवालात भी हम कर चुके हैं लेकिन अब तक कोई हल नहीं। बिल्कुल, फर्स्ट मीटिंग प्रिपरेटरी मीटिंग हुई है, अब मेरे ख्याल से बजट की जो प्रिपरेटरी मीटिंग है आप नेट में देखेंगे, इसमें एक ऐसे जो है नया अंदाज लाए हैं, नए अंदाज जो है आवाम मुसलमानों में क्या तकलीफ आते हैं, किस एंगल में किस स्टेज में मुश्किल आते हैं, उसको जो है पहचान कर एक हम बजट को जो है हम फीड करें, जिसमें कि जो है आज जो है पेशवाओं के लिए 4,000 रुपये सैलरी मिल रही है, मौजूद को 3,000, उसको जो डबल कर को जो है पेशवा साहब के लिए 8,000 किए हैं, और जो मौजूद के लिए 3,000 रुपये 6,000 रुपये करें, ये करके गवर्नमेंट भी ले लिए और गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने के लिए भी। और सबसे ज़्यादा एक अहम वाली बात बताऊँ कि जो है कब्रिस्तान को जो जाने के बाद मालदार भी रहता है, गरीब भी रहता है, कि खबर खोलने वालों को भी एक उनके भी एक है कि मेरे बाप जो है खबर खोद रहे थे, मैं आज खोद रहा हूँ, हो सकता है कल मेरा बेटा भी वही काम है, तो उनके लिए भी एक सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए, उसके लिए भी जो है हम उनके लिए भी तरक्का का जो है ये करें, उनको भी प्रपोज करें, और जो निलाने वालों को भी, आप देखिए जो है मुस्तरात को निलाने वाले कम रहते हैं, मोहल्ले में 2-3 मोहल्ले में रहते उनको हम बुलाते हैं, लेकिन वो भी जो है ऐसे सोशल कंसर्ट में करना चाहिए, बोल को अल्लाह आखिरत में जो है सवाब देंगे बोल के जो है उन करते हैं, लेकिन आज उस छोटी चीज़ को भी बारीकी को समझ कर सोच कर हमारे जो मिनिस्टर साहब जो मेरे मस्त साहब जो है उन लोगों को भी तनख्वाह के लिए मुकर्रर करें, खबर खोलने वालों को किए और मैयत को भी निलाने वालों को भी ये पूरी चीज़ें करें। जितने भी सोशल कंसर्ट में रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन 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 से रोल पे करता उन रोल के लिए भी गवर्नमेंट का जो है उनको मुआवजा मिलना, उनकी सैलरी मिलना बोल के भी देखें। सर आपने कब्रिस्तान की बात की तो कब्रिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि बाउंड्री वॉल तक यहाँ पर नहीं है, शाही कब्रिस्तान है तो हालात बहुत खस्ता है। जब वक्फ बोर्ड का मामला आता है तो यहाँ पर जब लोन का मामला आता है या फंड का मामला आता है तो लोग पीछे हट जाते हैं कि क्योंकि यहाँ पर कुछ काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, उम्मीद एक ऐसी चीज़ है, उम्मीद अपने पर्सनल पे जाती है और हमारी उम्मीद जो सिर्फ अल्लाह पे है, और गवर्नमेंट जो है
मैं ये नहीं बोलना चाहता और बिल्कुल ये बात साबित है कि पुराने गवर्नमेंट में कितना बजट कम करें, क्योंकि खबरस्तान के इंक्रोचमेंट ये पूरे कर्नाटक में जो कहीं ना कहीं एंगल में चलता है, कोई ना कोई जो हमारे लोग भी इंक्रोच करते हैं, कोई और लोग भी इंक्रोच करते हैं। इसके लिए इस बार जो है गुज़श्ता बार जो बजट दिए थे उसके 4 गुना ज़्यादा करें, और उसके वास्ते ये NRI में भी लिए हैं कि जो है ये पंचायत राज एक्ट में भी जो है खबरस्तान को जहाँ छोटे गांव हैं, आपको तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आपको तो अल्लाह इतना नवाजा है कि भाई जगह कोई कमी नहीं, सिर्फ प्रोटेक्शन की बात है, हमारे तरफ तो जगह की बात है, छोटे छोटे क्या है जहाँ पे खबरस्तान नहीं, तो इस बार खबरस्तान के लिए प्रोटेक्शन लिए भी 4 गुना लास्ट टाइम जितना बजट दें उससे ज़्यादा करें। शादी हाल को आप इतना बजट देते हैं, कब्रस्तान की बाउंड्री लाइन के लिए आप क्यों बजट पर आप बिल्कुल उसके लिए भी बजट दिए, वही ये बोल रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट में जो प्रिपरेटरी मीटिंग हुई उसमें 4% ज़्यादा करें, मतलब 4 times जो ज़्यादा करें, इंशाल्लाह इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा बजट आए। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी साहब सुना है कि इस्तीफा देने वाले हैं, जहाँ तक आप जैसा सोचें, बिकॉज यू आर वेरी जल्दी भी फर्स्ट हैंड आपको इन्फॉर्मेशन मिलता, चाहे मैं मेम्बर को भी बाद में मिलता, लेकिन मेरे इन्फॉर्मेशन जैसा आपको मिला है कि ऑलरेडी रिजिग्नेशन टेंडर करें, हो सकता है और आज या कल में जो है एक्सेप्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट प्रोसेस जो है इलेक्शन उनकी बोलेंगे। आप भी रेस में हैं? रेस में बिल्कुल हूँ, क्योंकि खल्क खदमत करने की जो है उम्मीद रखे मैं जो है, हालांकि 3rd time मैं जीता हूँ, हालांकि ये एक अच्छी बात पूछे कि 50 years में कर्नाटका बार काउंसिल में जो है फर्स्ट मुस्लिम कैंडिडेट जीता हूँ, और 2 बार आ रहा हूँ, पूरी जो टीम जो है मदद करते रहे उनकी मदद के बदौलत से जो है इस बार मैं जीता हूँ, जिसमें जो है बैंगलोर और मैसूर से 50 years मुसलमान वहाँ के जीते थे, कोई मुसलमान को कोई मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार जो है पूरे नॉर्थ कर्नाटक के मुस्लिम्स के एक मुस्लिम्स को जो है जिताना बोल के डाला है कि मैं आज इन लोगों के जो है मदद से बैठा हूँ, मैं भी जो है उम्मीदवार हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो है मैं कंटेस्ट किया था, लास्ट टाइम में जो है मेरे नॉमिनेशन को प्रपोजर सेकेंडर बोले तो नसीर अहमद साहब जो है आज कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है और MP है बेल्लारी से, उन्होंने मेरे नॉमिनेशन के प्रपोजर थे, और तनवीर सेठ साहब एक्स जो है मिनिस्टर फॉर द वक्फ अब जो MLA मैसूर के, उन्होंने भी जो है मेरे नॉमिनेशन को सेकेंडर थे, मैं नॉमिनेशन कर रहा था, आई लॉस्ट द मैच इन 1 vote, BJP के मतलब नॉमिनेटेड 5 थे और इलेक्टेड 5 थे, मेरे ये क्रॉसिंग होने की वजह से आई लॉस्ट द मैच। अल्लाह से तवक्कुल रखता हूँ कि इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट आने की वजह से और आप लोग नॉर्थ कर्नाटक को अभी तक नहीं मिला कि 50 साल के बोर्ड के चेयरमैनशिप, हालांकि 80% ऑफ प्रॉपर्टी नॉर्थ कर्नाटक में, जी जी मैं जिस एरिया में जो प्रॉपर्टी है जिस एरिया में रेवेन्यू आ रहा है उसको जो एकाध बार भी 50 साल में भी मौका नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं जो है नॉर्थ कर्नाटक को आप नेगलेक्ट करें, एक तो हर बजट में हमारे कम देते हैं और हर एक जब भी जो है पावर मिलना चाहिए मिनिस्ट्री मिलना चाहिए हमारे को कम होता रहता है, लिहाजा मैं आपके जरिए पूरे जो है आज के चीफ मिनिस्टर साहब सिद्धरामैया साहब और बोर्ड के जो है हमारे वक्फ बोर्ड के जो है मिनिस्टर साहब जमीर अहमद साहब, इनको रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों के जरिए कि नॉर्थ कर्नाटक को एटलीस्ट एक बार मौका दिए, कम से कम तो अब तो 4 साल गए, अभी जो है बचा हुआ है कि 1 साल 6 महीने, कम से कम एज ए मैटर ऑफ नेचुरल जस्टिस कि इतनी आवाम इतनी प्रॉपर्टी जो नॉर्थ कर्नाटक है उनको एक आध बार रिप्रेजेंटेशन दे के आप हम जो है पूरे लोगों को जो है ना हम अपॉर्चुनिटी दिए बोलने का जो है एक क्रेडिबिलिटी आप हासिल करना, इस जरा मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का मुंतखब कब होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप बिल्कुल अच्छी बात करके जो टफ चीज़ होती है उसको देर होती है, क्योंकि आपका पहुँचने का पिछले अंदाज ठीक है, क्योंकि इसमें जो है लास्ट टाइम जो है BJP गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के जो है हम मेंबर थे, इसमें हमारे और इसके बीच में बोल के जो है बहुत से चीज़ों में जो है हम इमीडिएटली डिसीजन नहीं ले सके, इस बार डेफिनेटली एक ही गवर्नमेंट और जो है पूरी तरह से लिबर्टी जो है वक्फ बोर्ड को दे दिया, हम इमीडिएटली डिसीजन लेंगे। मैं आसिफ अली शेखुशान हूँ, मैं कोप्पल के रहने वाला हूँ, मैं स्टेट बार काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर हूँ, इलेक्टेड मेंबर होने के नाते मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर हूँ। अब जो है लास्ट टाइम जो है कर्नाटक बार काउंसिल में जो है एनरोलमेंट कमेटी का चेयरमैन था, आज जो है
वर्क बोर्ड में जो है फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिक्रूटमेंट कमेटी का चेयरमैन। थैंक यू। ज़िला वक्फ बोर्ड ऑफिस में आज एक मीटिंग हुई जिसमें कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर आसिफुल्लाह और फाइनेंस कमेटी के भी मेंबर हैं, तो उन्होंने जो है अपने बयान में कहा कि आज डिप्टी कमिश्नर के वहाँ से एक मीटिंग थी, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डिप्टी कमिश्नर साहब से मीटिंग थी, लिस्ट मीटिंग है, लेकिन आज ये मीटिंग पोस्टपोन हुई है। इस मीटिंग में इस एजेंडे पर बहस की जाने वाली थी कि वक्फ बोर्ड के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो जो है सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विदाउट प्रूफ डॉक्यूमेंट्री के साथ, यानी इस पर डिस्कस आज होने वाली थी, लेकिन इसी को लेकर आज आसिफुल्लाह सर जो कर्नाटक स्टेट के मेंबर हैं तो उन्होंने इस प्रेस मीट करते हुए इस पर इसका खुलासा भी किया और आने वाले दिनों में वक्फ प्रॉपर्टी का तहफ्फुज़ करने और आईएमए की तनख्वाह को बढ़ाने और तमाम सहूलत को देने में उन्होंने भरोसा दिलाया। कैमरामैन शाहबाज के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। अब देखिए देश की वो न्यूज़ जो आपसे छुपाई जाती है, अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।